चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिंद। स्पेशल संडे झरोखा के अंदर आपके पास कहते हैं, आपको कहेंगे 5 जुलाई 2020 और हम कहेंगे आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा, चांद पूरा खिला है आसमान के अंदर, धीरे धीरे कल से घटना शुरू होगा, जैसे कहते हैं चतुर्मास के दिन घटने शुरू होंगे। कल एक दिन पहले चतुर्दशी थी और जगह जगह 1500 दिगंबर संतों ने अपने नियमानुसार अपने चतुर्मास पौने 5 महीने की इस बार चतुर्मास की स्थापना की। आश्विन महीना एक ज्यादा है इसलिए एक महीना बढ़ गया चतुर्मास के अंदर। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे उसके अंदर, आज जो पावन दिन है हमारा, कहते हैं कल वैसे खास दिन है, वीर शासन जयंती, यानी वह जिस दिन मान स्तंभ को देखकर कहते हैं कि गर्दन के अंदर पहुंचे थे और एक बार देखते ही मान का कहते हैं सारा घमंड चूर चूर होकर नीचे आ गया समोसरण में रहते ही गौतम स्वामी के अंदर। और फिर गौतम स्वामी ने के कारण 66 दिन बाद महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी थी। लेकिन उससे पहले आज है हमारी गुरु पूर्णिमा, गुरुओं के प्रति कहते हैं श्रद्धा का दिन, नमन का दिन, भक्ति का दिन, उनके प्रति समर्पण होने का दिन। कहते हैं एक दिन गुरु दक्षिणा के रूप में देने का, जो 365 दिन 24 घंटे हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं, जिनके आगे हम छोली भराई रखते हैं, उनके लिए क्या श्रद्धा में दें। अरे हम तो खाली हाथ हैं, हम तो हर बार लेते आते हैं, आपको दे किया, पर हमारी श्रद्धा नमन भक्ति उनके लिए समर्पण रहे, उनको बारंबार नमन करें। और सुनते हैं मुनिषि तरुण सागर जी से पहले उनके बारे में, गुरु पूर्णिमा पर गुरु के प्रति क्या होती है गुरु पूर्णिमा, उनके आखिरी प्रवचन में था ये, दिल्ली के अंदर हुआ था 2017 के अंदर, इसी दिल्ली के अंदर, पूर्वी दिल्ली के अंदर, उनके आखिरी प्रवचन के अंदर आखिरी समय में उन्होंने गुरु पूर्णिमा क्या कहा, कुछ शब्द उनसे। आज बहुत ही पवित्र दिन है गुरु पूर्णिमा का। जो दूसरों को गुरु मानता है वो दुनिया का गुलाम हो जाता है, जो दूसरों को गुरु मानता है वो दुनिया का गुलाम हो जाता है, पर जो अपने को गुरु मानता है दुनिया उसकी गुलाम हो जाती है। आज विशेष रूप से जिसे हम अपना आराध्य मानते हैं, गुरु मानते हैं, इष्ट मानते हैं, उसका स्मरण करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का मतलब गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूरी माँ हैं और जो माँ हैं उसका स्थान क्या होता है वो अभी आपने सुना, किरण जी ने भी बताया, और मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ माँ के संबंध में, किसी ने उपवास रखा, किसी ने रोजा रखा, किसी ने, किसी ने, किसी ने, किसी ने, किसी ने उपवास रखा, किसी ने रोजा रखा, स्वीकार होगा उसका जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। ये थी गुरु पूर्णिमा के बारे में बताया। और आज के झरोखे में आपको हम 9 खबरें लेकर आए हैं आपके लिए, 9 बातें। सबसे पहले पारसनाथ प्रभु की आंखों से निकल रहे हैं आंसू, निकल रहे हैं या कह रहे हैं अमृत धारा निकल रही है, वह बताएंगे। एक हमारी रहने की जो है, कहते हैं हमारी जैन संस्कृति, जैन विरासत 200 सालों बाद हमसे छीनी जा रही है और समाज क्यों इस पर चुप है, वह सवाल निशान उठाएंगे, इसके ऊपर बताएंगे आपको क्या करना होगा। कह रहे हैं आपको आज 108 फुट के लंबे चरण दिखाएंगे आपको कि कहां बन रहे हैं, पर उसके बारे में कुछ क्या हरा है वह भी आपके सामने जानकारी देंगे। हमारे ही देश में हम चीन के बारे में बोलते हैं, अरे हमारे ही देश में कहीं पर हम जानवर को कैसे खा रहे हैं, हम उसके बारे में बताएंगे, कैसे उस पर रोक लगी है वह भी बताएंगे। सांगानेर की तरह कहां पर गर्भ है, भूतल के नीचे है, और वहां पर हम 3 मंजिल नीचे, 4 मंजिल नीचे आपको लेके जाएंगे एक प्रभु के दर्शन कराने के लिए। आज हम बताएंगे आपको कि कहां पर एक परिवार से मूर्ति मिली थी, पंचकल्याण के बाद उसको मंदिर में स्थापित कर दिया गया है, वह भी जानकारी देंगे आपको। इस तरह की कई जानकारियां हैं। पहले 5 दिनों में 4 संतों का देवलोकों में हुआ था, लेकिन अब एक ही दिन में यानी 3 जुलाई को 3 साथियों का एक ही दिन में देवलोक मन हो गया, आज उसकी भी जानकारी देंगे आपको। खबरें बहुत हैं आपके लिए आपके पास, शुरू करते हैं आज के झरोखे की इन खबरों के साथ। पारस प्रभु की आंखों से यह निकल रही है अमृत धारा या कहीं अश्रु धारा। जी हाँ, आप में से 13 जनों ने हमें वीडियो भेजे हैं, सबका धन्यवाद करते हैं। किसी ने कहा है कि भांडुप यानी मुंबई से दृश्य है 30 जून या 1 जुलाई के। चैनल महालक्ष्मी इस बात की पुष्टि तो नहीं करता ये चित्र कहां के और कब के हैं, पर हैं पारस प्रभु के जैसे चित्र वीडियो दिखा रहे हैं। इस बारे में कहा गया है कि यह अमृत धारा बरस रही है, लोग खुशियां मना रहे हैं। इस चित्र के अब दूसरे पहलू देखते हैं, नजदीक से देखिए कैसे नेत्रों से यह जल निकल रहा है। लोगों ने कहा इसे अमृत धारा, लेकिन हम इसमें सोचने में विवश करते हैं कि यह शकुन है या अपशकुन है। आज अगर हम संसार में देखें तो आज भारत का पड़ोसी छोटा हो या बड़ा हो हमें आंख दिखाने को आतुर हो रहा है। देश के अंदर प्राकृतिक विपदाएं आ रही हैं, भूकंप के झटके बार बार आते हुए किसी बड़े खतरे के संदेश दे रहे हो, जैसे बारिश शुरू नहीं हुई, मानसून शुरू हुआ, बाढ़ की पहर पूर्व से आनी शुरू हो गई है।
यही नहीं, इसके अलावा जगह जगह बिजली गिर रही है और मौतों का सिलसिला गिना जा रहा है। देश के अंदर महामारी कोरोना अपना विकराल रूप दिखाती जा रही है। हम कितने पीछे थे और अब कहते हैं कि हम जैसे गोल्ड मेडल का ओलंपिक में नाम मिले ना मिले, लेकिन यहां पर हम गोल्ड मेडल की मुलाई में सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, पहले चार के अंदर आ गए हैं हम, इतनी तेजी से बढ़ रहा है। तो इसलिए आप इसे शकुन कहेंगे, आप शकुन कहेंगे या आप सोचिए, पर वैज्ञानिक तर्क क्या कहते हैं, जब बहुत ज्यादा शीत होती है ना, ठंडा पड़ता है, तो जब उसका गर्मी आती है तो उष्ण के अंदर से पत्थर के अंदर से जल की बूंदें अपने आप निकलती हैं, या बहुत ज्यादा पत्थर गर्म हो जाता है, ठंडक रखते हैं, जैसे आप कहते हैं वो कि फ्रिज से बोतल निकालते हैं, अब तो उसके ऊपर बाहर उसके पाप के कारण जब वाष्प निकलते हैं, जल की किरणें बाहर आने लगती हैं, दिखने लगता है बूंदें, इस तरीके से उनका कहना है। पर कहा तो यह भी जाता है कि वैज्ञानिक खोज जहां तक खत्म होती है वहां जाके ज्ञान की बात शुरू होती है। तो तर्क और वितर्क में आप सोचिए कि यह अमृत धारा है या अश्रु धारा है, शकुन है या अपशकुन। 200 साल पुरानी जैन नसिया, इसे बचाने की जिम्मेदारी किसकी, समाज की या संत की? शीर्षक सुन के हैरान मत होइएगा, जैन नसिया के आप दर्शन कर रहे हैं। यह तिजारा से 110 किलोमीटर लगभग दूर और जयपुर से भी लगभग 110 किलोमीटर दूर है। दोनों के बीच में पड़ती है, रैनी गांव के अंदर, अलवर जिले के अंदर मेन रोड पर है। 1 बीघा 13 बिस्सा जगह है और 1235-1236 का खसरा नंबर है। यह जगह वही है जहां पर जब यह थाना इस क्षेत्र में आया था तो सबसे पहले थाना इसी नसिया के अंदर था, बाकायदा रसीद से किराया मिलता था। टूटी फूटी किस हालत में देख रहे हैं आप, यहां पर तीर्थंकर मूर्ति प्रतिष्ठित रखी हुई है, जिनवाणी रखी हुई है जिनमें धूल चढ़ रही है। समाज के अंदर यहां कितनी जर्जर अवस्था में है यह दृश्य आप देख रहे हैं, कब नीचे गिर जाए ऐसी हालत है इसकी। पर इसकी मरम्मत नहीं करवा सकते, यहां की एक ईंट नहीं लगा सकते आप, यहां कुछ रख नहीं सकते, कुछ लगा नहीं सकते, हालत यह कर दी है हमारी, क्योंकि यह जैनों की नसिया है और जैन हमेशा अहिंसावादी होकर जैसे मुंह पर जवान लगे चुप रहते हैं। और सामने बैठे हैं, अब ये देखिए आप, उसी नसिया के सामने बैठे आचार्य संयम सागर जी, जिनका परसों यहां पर चतुर्मास स्थापना है, 37वां चतुर्मास। जी हाँ, ये किसके शिष्य हैं आपको थोड़ा बता दें, सुमति सागर जी के शिष्य हैं ये, जिनके विवेक सागर जी भी शिष्य हैं, ज्ञान सागर जी भी हैं, सुमति सागर जी और भी कई उनके शिष्य हैं, उन्हीं के शिष्य हैं। और क्या इनको क्या मजबूरी है जो यहां के बैठ गए? अब दृश्य देखिए नसिया के चारों तरफ के, क्या दृश्य देख रहे हैं आप, नसिया बिगड़ी पड़ी है, कहीं सामान पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं पंडाल का सामान पड़ा है। इस बार बारिश हो रही है, गर्मी के मारे सुबह कीड़ की निकलते हैं, मच्छर निकलते हैं, कीड़े मकोड़े निकलते हैं, गाय भैंसें चढ़ती हैं, लेकिन यहां पर एक पंडाल तक नहीं लग पा रहा चतुर्मास स्थापना के लिए। पिछली बार भी इन्होंने अपना चतुर्मास यही किया था, कोई शौक नहीं होना संतोष चतुर्मास करने का, इस तरह खुले होने का, वह क्योंते क्यों है चतुर्मास, ये सोचिए आप। क्या समाज के अंदर इतने लोग कमजोर हो गए हैं कि वह नहीं चाहते? लेकिन कहते हैं ना कि बाहर से कोई बिल्ली इशारा मार रही है, देख रही है कि मैं इस पर कब्जा कब करूं, और कुछ जैनी हम लोगों के बीच में ऐसे हो गए हैं, वो चाहते हैं वो कब्जा करें, 2 टुकड़े मुझे भी मिल जाएंगे। हमारे समाज में भी ऐसा विभाजन हो गया है, कल भी बात कह रहे हैं, बात हकीकत है। समाज के जो बड़े संस्थान है वे चुप बैठे हैं, जैसे उनका कोई मतलब ही नहीं है, वैसे हम ठिप ठपाते हैं, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमारे नाम के गुणगान गाओ और यहां पर आकर हम सब चुप हो जाते हैं। नसिया हमारी बबौती नहीं है, देखिए दृश्य, चारों तरफ कूड़ा फैला पड़ा है, इसी में होगा पिछली बार 11 दिन का आमरण अनशन किया था, प्रशासन भागता भागता अलवर से आए था, कलेक्टर आए थे और तुलवाया था कि हम सब कुछ कर देंगे यहां पर, लेकिन कुछ नहीं हुआ, डाक के 3 पास समाज भी चुप रहा और प्रशासन भी चुप रहा। एक बार फिर आचार्य श्री कह रहे हैं कि मुझे फिर की बार ऐसा ही कोई कदम उठाना पड़ेगा, अपनी नसिया हमें दिलवानी होगी, हम समाज वाले क्यों चुप हो जाते, क्या संतों ने ठीका ले रखा है इसे बचाने का, क्या विरासत सारे काम संत करेंगे या हम लोग अपने माइक मंच माला लेके ही चुप हो जाएंगे? सवाल आप लोगों से भी है, समाज से भी और सुनने वालों से भी है, अपनी 200 साल पुरानी नसिया को बचाइए, यह बचाने की जरूरत है, क्या संत का ही काबिल काम रह गया है? इस खबर के बारे में आप लोग और को जागरूक करिए। चरण इतने बड़े बहुत बड़े देखे नहीं होंगे अब तक आपने आज तक। जी हां, पहले अभी चरण देखिए शिखर जी से, विभिन्न टोकों के दर्शन कीजिए, नमन कीजिए इन चरणों के लिए, ऐसे होते हैं 6 इंच 8 इंच 10 इंच 12 इंच 15 इंच, इतने चरण होते हैं हर जगह, तीर्थंकर के बनाते हैं या पूर्वाचार्य को बनाते हैं। लेकिन अब आज हम दिखा रहे हैं आपको, ये उदयपुर से चलते हैं सलमपुर जगह के अंदर। जी हाँ, जहां पर 2018 में ये पंचकल्याण को एक दृश्य आप यहां देख रहे हैं, यहां पर आचार्य रैण सागर जी और आचार्य समता सागर जी ने पंचकल्याण करवाए थे यहां पर, उस जगह पर। यहां पर समाज के पास 12 बीघा जमीन है, कहते हैं बहुत ऐसी पहाड़ी है जहां पर, जहां से गांव वाले नीचे आ गए, फिर ऊपर से चमत्कारी मूर्ति अतिशयकारी को नीचे लाने लगे, लेकिन मूर्ति ट्रस्ट से मस नहीं हुई, अब वहां पर ये 12 बीघा जमीन के अंदर ये मंदिर बन रहा है। 250 फुट पे ये निर्माण हो रहा है, 24 का परिकर वाली प्रतिमाएं बनेंगी यहां पर, और 45 फुट के आदिनाथ भगवान की मूर्ति भी विराजित होगी, और उनके सामने बीच में 108 फुट के कमलायुक्त कमलकार युक्त के अंदर यह चरण बनेंगे। यानी आपने इतने बड़े चरण अभी तक देखे नहीं होंगे,
पहली बार आपको ऐसे चरण मिलेंगे। जो आप यहाँ पर 3D डिजाइन देख रहे हैं उस मंदिर का, चारों तरफ जगह वहां पर ली हुई है, उसके अंदर एक चरण बनेंगे, इतने बड़े चरण। लेकिन अभी तक चरण आपको मालूम है सीमेंट आदि से नहीं बनते, हमारे चरण अशुद्ध होते हैं और पाषाण एक ही पाषाण चरण बनते हैं। तो 108 फुट का पाषाण में चरण कैसे बनेंगे, यह अभी विस्मयकारी है। देखते रहिएगा, कहेंगे इतने बड़े चरण आपने दुनिया में नहीं देखे होंगे। नागालैंड ने भी बंद किया कुत्ता मीट। जी हाँ, हम चीन को बार बार कोसते हैं कि कीड़े मकोड़े खाते हैं, जानवर खाते रहते हैं और ऐसी बीमारियां पूरे विश्व में फैलाते रहते हैं। अरे हमारे ही देश में ऐसी बातें होती हैं तब हम चुप हो जाते हैं। मिजोरम में खबर आई थी कि वहां कुत्ते को खाया जाता है, लेकिन वहां बंद कर दिया गया। उसके बाद अब नागालैंड में लगातार खाया जा रहा था, यानी नागालैंड में इतना खाया कि पूरे नागालैंड में कुत्ते खत्म हो गए। और उसके बाद उनका मुंह बंद करके, जैसे चित्रों में आप देख रहे हैं, रात के अंधेरे में ट्रकों में भरकर आसाम से पश्चिम बंगाल से इन्हें स्मगल किया जाता था। यहां पर दीमापुर के अंदर बाकायदा इनकी बाजार लगता था और साथ में रेस्टोरेंटों में लगता था इनका बाजार। आवाज उठी विरोध के अंदर, अहिंसा विश्व धर्म है, अहिंसा में जियो और जीनो तो का नारा लगाने वालों के साथ ये मिलकर आवाज उठी। और अब जाके इस पर नागालैंड सरकार ने 2 जुलाई को इस पर प्रतिबंध कर लगा दिया है। यानी अब नागालैंड में ना कुत्ते खाने के हिसाब से ना खरीदे जाएंगे, ना बेचे जाएंगे, ना बिक्री होगी, ना स्मगल होंगे, पूरी तरीके से दे विल बी बैंड नाउ, देयर विल बी नो डॉग मीट नाउ इन द नागालैंड। बहुत अच्छी बात है, जियो और जीने दो, हमें अगर जीने का अधिकार है और कुत्तों को भी जीने का अधिकार है, सब पशु पक्षियों को जीने का अधिकार है। शिखर जी की तरह अब राजगीर की भी हुई यात्रा आसान। जी हाँ, शिखर जी तो आप जानते ही हैं, पहले यहां पर कच्चे रास्ते थे, किस तरीके से तीर्थ क्षेत्र के बेटी ने वहां पक्के रास्ते कर दिए। बाई तरफ दृश्य शिखर जी देख रहे हैं और दाई तरफ देख रहे हैं आप राजगीर के, बिहार के। जी हाँ, पंचपाड़ियां यहाँ विपुलाचल पर्वत है, उदयगिरी है, खंडगिरी है, स्वर्णगिरी है, वैभवगिरी है, बहुत है पांच पाड़ियां यहां पर, जहां पर कहते हैं मुनि सूरत भगवान के 4 गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याणक हुए थे। विपुलाचल पर्वत पे पहला सम्मोषण आया था महावीर भगवान का और 14 बार वह इन्होंने कहते हैं चतुर्मास किया था। कहते हैं ऐसी जगह पर अब जहां तक यात्रा थी, दृश्य आप देखते जा रहे हैं किस तरीके से यहां पर अब धौलपुर का लाल पत्थर लगा दिया गया है, यात्रा सुगम हो गई है। कहते हैं हर तीर्थ पर अब यात्रा सुगम हो रही है। अभी थोड़ा रुक जाइएगा, लॉकडाउन चल रहा है, यात्रा बंद है, जब खुलिएगा दर्शन कीजिएगा। हिंदू परिवार से मिली प्रतिमा अब मंदिर में विराजित। जी हां, कर्नाटक के गुलमर्ग जिले के अलैंड से कुछ समय पहले हिंदू मराठा परिवार से यह पद्मासन प्रतिमा मिली थी, जिसे अब पंच कल्याण करवाकर विधिवत अब मंदिर में विराजित कर दिया गया है। है ना खुशी की बात। भूतल से भी 4 मंजिल नीचे दर्शन करिए भगवान शांतिनाथ अतिशयकारी मूर्ति के। जी हाँ, कर्नाटक के कांगवाड़ में। जी हाँ, यहां पर है जैसे सांगनेर में है, तल तल के नीचे जाके गर्भगृह है और यह है शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा, अद्भुत अतिशयकारी, जिसके आज दर्शन कराते हैं। चलिए महाराज यहां देखते हैं इस वीडियो में, देखिए कैसे हम उस भूतल से नीचे चलते हैं। एक एक सीढ़ी देखिए, सीढ़ी कितनी संकरी है, यानी एक आदमी भी जाता है तो झुक कर जाना पड़ता है, अंधेरा होता है बिल्कुल, फिर रोशनी मिलती है जाके, हर नीचे गर्भ बनते जा रही है। सांगानेर में देखते हैं ना हम कि 2-2 तल नीचे, 3-3 तल नीचे आम सामान्य जन को जाना बंद है, ऐसे यहां पर आज महाराज जा रहे हैं, उनके साथ ये चित्र आपके हम दिखा रहे हैं। नीचे उतरते जाते हैं, अंधेरे में संकरी सीढ़ियों से उतरते हुए दर्शन करते हैं दूसरे गर्भगृह में, फिर सीढ़ियां से उतरते हैं तीसरे गर्भगृह में, इस तरह आते आते हम उस अतिशयकारी पद्मासन मूर्ति पर पहुंच जाते हैं जो भगवान शांतिनाथ की है। जो देख रहे हैं अब आप यहां पर भगवान शांतिनाथ की यह अद्भुत चमत्कारी की प्रतिमा, कर्नाटक के कांगवाड़ जो जैन प्रसिद्ध जगह हो गई है, पूरे विश्व में इस 4th तल की मूर्ति सब जगह जानी मानी जाती है अपने चमत्कार अतिशय के लिए। दर्शन कीजिए, आनंद कीजिए। एक दिन में 3 साधुओं का देवलोक गमन, पहले 5 दिन में 4 साधु आरिगांव के देवलोक गमन की जानकारी हम आपको दे चुके हैं। अब 3 जुलाई को 3 अलग अलग जगहों पर, यानी मुंबई, अहमदाबाद, बीकानेर में 3 साधुओं के देवलोक गमन की जानकारी मिली है। मुंबई में श्री संगवई देवकरण मूला जी जैन दिरासर पेड़ी मलाड वेस्ट में गच्छाधिपति दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की आज्ञावर्ती साध्वी श्री भव्य नंदा जी का 80 साल की आयु में काल धर्म हो गया। उन्होंने 10 वर्ष की आयु में ही मात्र में ही दीक्षा ली थी, यानी 70 वर्ष की उनकी दीक्षा थी। वहीं अहमदाबाद के अरणी उपाश्रय रंग सागर में श्री रामचंद्र सागर सुरेश्वर महाराज की साहेब की साध्वी 56 वर्षीय श्री मेघरत्ना जी का 23 वर्ष की दीक्षा के बाद काल धर्म हुआ। और तीसरा देवलोकन सूचना बीकानेर के मालू कोटड़े में मिली, जहां आचार्य श्री रामलाल जी की आज्ञानुवर्ती साध्वी श्री अंजना महाराज साहब का 3 जुलाई को सुबह 6:15 बजे देवलोक गमन हो गया। तीनों के प्रति चैनल महालक्ष्मी और सान्ध्य महालक्ष्मी अपनी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। सुनिए आपने आज की खबरें, चतुर्मास स्थापना हुई है,
सबने कुछ कुछ कहा, हम आपसे सिर्फ एक बात कहेंगे। बिजोरिया तीर्थ की कमेटी ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने स्पष्ट कह दिया यहाँ पर किसी यात्री के आने की अनुमति नहीं है, प्रवेश नहीं है उनके लिए, उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं करी हमने, उनके भोजन की व्यवस्था नहीं की है। हर समय तो ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह पर तो आमंत्रित कर रहे हैं बाहर से लोगों को, मत करिए समाज, इससे कह रहे हैं आपसे, कहीं ना कहीं हो सकता है संत भी ऐसा प्रेशर डालते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, कल भी बात सुनने का भी हिम्मत होनी चाहिए। कहीं संत प्रेशर डालते हैं कि मेरे ऐसे ऐसे भक्त हैं जो आना चाहते हैं, कहीं टेंट लग गए, कहीं भीड़ इकट्ठी हुई है, ऐसी बात भी आई, हम किसी को सामने नहीं खुलासा कर रहे, पर मत बुलाइए भीड़, मत करिए, क्योंकि एक संत हमारे लिए बहुत बड़ी अनमोल धरोहर है, अगर हमारे अचल तीर्थ हमारे लिए संस्कृति धरोहर है, चल तीर्थ भी है। सुरक्षित रहिए आप लोग, फिर मिलेंगे कल आपसे एक एपिसोड में आएंगे झरुआ के अंदर खास बात लेकर। आपने एक किताब देखी जो चोरी में पकड़ी गई जान दिगंबर संतों के बारे में कहा था, एक श्वेतांबर संतों के बारे में आ गया है, लेकिन हम एक तीसरी किताब भी दिखाएंगे जो अब तक आपके सामने नहीं आई है, जो हकीकत केवल चैनल महालक्ष्मी को दिखाएगा कि जहां पर पूरे जैन संतों के लिए कहा गया है, कल के झरोके में वह देखिएगा। फिर मिलेंगे आपसे, शेयर फॉरवर्ड करते रहिएगा, जन जन तक पहुंचाइएगा। सादर जय जिनेन्द्र।